हेलो गाइस वेलकम टू मैनूअल एजुकेशन सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंडिडेटर टाइप के बारे में टाइप ए बी सी डी ई e, ऑल इंडिया कैंडिडेटर ओ एम एस माइनॉरिटी कैंडिडेट एन आर आई कैंडिडेट बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट मिल रहे हैं रिगार्डिंग कैंडिडेटर टाइप एंड स्टूडेंट्स काफ़ी कन्फ्यूज़ है सो कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए गई स्टे कनेक्टेड विद अस टिल एंड इन दिस वीडियो हम इन डिटेल बात करने वाले हैं कैंडिडेटर टाइप के बारे में सो so दैट आपके सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए एंड देन यू कैन ईजिली डिसाइड कि आप किस कैंडिडेटर टाइप में फॉलो हो रहे हो ए बी सी डी ई और ऑल इंडिया कैंडिडेटर तो हम इन सारे कैंडिडेट टाइप्स के बारे में इन डिटेल बात करेंगे सो लेट्स बिगिन गाइज विद द फर्स्ट कैंडिडेटर टाइप विच इज़ महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेटर टाइप ए यर इट्स एज कैंडिडेट हु इज़ डोमिसल ऑफ महाराष्ट्र मीनिंग आपके पास डोमिसल सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र या फिर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपकी प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल मुंबई महाराष्ट्र मीनिंग mentioning the place of birth which is in maharashtra now what this means if candidate has completed his or her ssc or hsc or equivalent qualification examination from the state of maharashtra but are not born in maharashtra or candidate does not possess the domicile certificate from the state of maharashtra meaning अगर आपने आपका एस एस सी एंड एच एस सी और इक्वल एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन महाराष्ट्र स्टेट से कम्प्लीट किया है बट आप महाराष्ट्र स्टेट में born नहीं हुए हो और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी नहीं है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट देन सच कैंडिडेट्स आर not एलिजिबल फॉर महाराष्ट्र स्टेट candidate टाइप ए बिकॉज यहाँ पे क्लियरली मैंशन है दैट यू शुड हैव अ बर्थ सर्टिफिकेट मैंशनिंग द प्लेस ऑफ बर्थ विच इज इन महाराष्ट्र एंड यू शुड हैव अ डोमसाइल सर्टिफिकेट अगर आपको कैंडिडेट ए में आना है तो ओनली देन यू आर टाइप ए कैंडिडेट सो इफ यू आर नॉट बॉर्न इन महाराष्ट्र और यू डो नॉट हैव एनी डोमसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र दैन सच कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल फॉर स्टेट कैंडिडेट और टाइप ए then they should fill the cd application form as outside maharashtra state candidate type meaning you will fall under the oms category which is outside maharashtra student that is all india candidate type if candidate has completed his or her ssc or hsc or equivalent qualifying examination from the state of maharashtra and are not born in maharashtra बट कैंडिडेट हैज़ अ डोमोसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मीनिंग आपने आपका एस एस सी एंड एच सी महाराष्ट्र से कंप्लीट किया है एंड यू आर नॉट बॉर्न इन महाराष्ट्र आप महाराष्ट्र में बॉर्न नहीं हुए हो बट आपके पास डोमोसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है देन यू आर एलिजिबल फॉर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप देन यू शुड फिल सी टी एप्लीकेशन फॉर्म as maharashtra state candidate type a next candidates who are born in maharashtra or candidates having the domicile certificate from maharashtra state but have not completed his or her ssc or hsc or equivalent qualifying examination from the state of maharashtra meaning agar महाराष्ट्र में बॉर्न हुए हो एंड आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी है फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बट आपकी क्वालिफिकेशन विच इज़ एस सी एंड एच एस सी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से कम्प्लीट नहीं हुई है देन सच कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर महाराष्ट्र स्टेट टाइप कैंडिडेटर ए देन वॉट हैव टू डू इज दे शुड फिल द सी टी एप्लीकेशन फॉर्म एज एन आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेटर मीनिंग ओ एम एस टाइप That is all India candidate type. Next, Maharashtra state candidate type B. Here it says the father or mother of the candidate is domicile in the state of Maharashtra. Either father or mother of the candidate. should have a domicile certificate from the state of maharashtra if candidate is not born in maharashtra or does not possess a domicile certificate from maharashtra meaning आपके फादर या मदर के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र होना चाहिए अगर आप बोर्न इन महाराष्ट्र नहीं हो तो या फिर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है मीनिंग इफ़ कैंडिडेट हैज़ नॉट कम्पलीटेड हिज और हर एस एस सी और एच एस सी और इक्वाल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र देन सच कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप बी दो कैंडिडेट फादर और मदर पर्जेसिज द डोमसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मीनिंग अगर आपने आपका एस एस सी एच एस सी इक्वल क्वालिफिकेशन एग्जाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से कंप्लीट नहीं किया है तो आप एलिजिबल नहीं हो फॉर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप बी इवन इफ आपके फादर और मदर के पास डोमोसाइल सर्टिफिकेट है फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र देन टू यू आर नॉट एलिजिबल देन वट दे कैन डू न वट दे कैन डू इज दे शुड फिल सी टी एप्लीकेशन फॉर्म एज एन आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेटर टाइप that is all india candidate type next if candidate has completed ssc and HSE from the state of maharashtra and candidate does not possess domicile certificate from the state of maharashtra or birth certificate from the state of maharashtra but candidate's father or mother possesses domicile certificate from the state of maharashtra दैन सच कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेटर टाइप बी मीनिंग अगर आपने आपका एस एस सी एंड एच सी कंप्लीट किया है फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बट आपके पास डोमसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र नहीं है बट आपके फादर और मदर के पास डोमोसाइल सर्टिफिकेट है देन सच कैंडिडेट्स मीनिंग you are eligible for maharashtra state candidate type b then such candidate should fill the ct application form as maharashtra state candidate type then only you fall under maharashtra state candidate type b next maharashtra state candidate type c here it says the father or mother of the candidate is an employee of the government of india or government of india undertaking who is posted and reported to the duty in the maharashtra state before the last date of submitting the application form for the cap provided candidate should have completed his or her ssc and hsc from the state of maharashtra meaning your father or mother should be an employee of government of india or government of india undertaking बट उनकी पोस्टिंग एंड ड्यूटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र होनी चाहिए बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कैपराउंड बट स्टिल स्टूडेंट शुड हैव कम्पलीटेड एस एस सी और एच एस सी फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र स्टिल आपका क्वालिफिकेशन विच इज एस एस सी और एच एस सी महाराष्ट्र स्टेट से कम्पलीट होना चाहिए नो वट दिस मीन्स इज इफ़ कैंडिडेट हैज़ नॉट कम्पलीटेड हिज और हर एस एस सी और एच एस सी और इक्वल एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र देन सच कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेटर टाइप सी एज वी डिस्कस्ड अर्लियर यहाँ पर मैंशन किया है प्रोवाइडेड कैंडिडेट शुड हैव कम्पलीटेड हिज और हर एस एस सी और एच एस सी फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इवन इफ देर फादर और मदर आर वर्किंग For government of India or they are employee of the government of India. But if your qualification, which is SSA and hse is not completed from the state of Maharashtra, then you are not eligible for Maharashtra State candidate Type C, then what they can do is they should fill CT application form as an outside Maharashtra state candidate, which is OMS meaning all India candidate type. ऑल इंडिया कैंडिडेट टाइप के भी बारे में हम आगे जानेंगे सो गाइज वीडियो एंड तक देखना नेक्स्ट इफ़ कैंडिडेट हैज़ कम्प्लीटेड हिज और हर एस एस सी और एच एस सी और इक्वाल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्राम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मीनिंग आपने आपकी क्वालिफिकेशन एस एस सी एंड एच एस सी महाराष्ट्र कम्प्लीट की है एंड आपके फादर और मदर एम्प्लॉय है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग और उनकी पोस्टिंग एंड रिपोर्टिंग टू तो द ड्यूटी महाराष्ट्र स्टेट में होनी चाहिए कैप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटिंग की लास्ट डेट से भी पहले देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेटर टाइप सी देन दे शुड फिल सी टी एप्लीकेशन फॉर्म एज अ महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेटर टाइप सी नेक्स्ट महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेटर टाइप डी यर इट्स इज

इन केस ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप डी द फादर ऑफ और मदर ऑफ़ द कैंडिडेट इज एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडरटेकिंग प्रोवाइडेड अगेन आपने आपका एस एस सी एंड एच एस सी और दिक्वल एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से कंप्लीट होना चाहिए न वीन्स If the candidate has not completed his or her SSC or HSC or equivalent qualifying examination from the state of Maharashtra, which is clearly mentioned that candidate should have completed for his or her SSC or HSC or equivalent from qualifying examination from the state of Maharashtra, then only they are. एलिजिबल फॉर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेटेड टाइप डी बट आपका अगर क्वालिफिकेशन विच इज एस सी एन एच एस सी और इफ यू वैल एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से कंप्लीट नहीं हुआ है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेटेड टाइप डी देन वॉट यू ऑल कैन डू इज दे शुड फिल सी टी एप्लीकेशन फॉर्म एज एन आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेटर विच इज़ ओ एम एस स्टूडेंट्स विच इज़ ऑल इंडिया कैंडिडेट टाइप नेक्स्ट इफ़ द कैंडिडेट हैज कम्प्लीटेड हिज और हर एस एस सी और एच एस सी और इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मीनिंग आपने आपका एस एस सी एंड एच एस सी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से कम्प्लीट किया है एंड आपके फादर और मदर एम्प्लॉय है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडरटेकिंग तो आप एलिजिबल होते हो फॉर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप डी दैन वॉट यू ऑल कैन डू इज आप सी टी एप्लीकेशन फॉर्म एज अ महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप फिल कर सकते हो नैक्स्ट इज महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप ई यर इट्स इज द कैंडिडेट्स पासिंग एस एस सी एंड और एच एस सी एग्जामिनेशन और इक्वे बैलेंट फ्रॉम अ रिकगनाइज इंस्टीट्यूशन फ्रॉम अ डिस्प्यूटेड महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया एंड हुज मदर टंग इज मराठी देन यू ऑल आर कंसिडर्ड एज महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेटेड टाइप ई मीनिंग अगर आपने आपका एस एस सी एंड एच एस सी और इक्वलेंट एग्जामिनेशन पास किया है फ्राम अ रिकगनाइज इंस्टीट्यूशन फ्रॉम अ डिस्प्यूटेड महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर स्टेट एरिया बट आपकी मदर टंग मराठी होनी चाहिए यह चीज़ आपके बर्थ सर्टिफिकेट में मेन्शन होती है विच इज़ द मदर टंग एंड अगर आपकी मदर टंग मराठी है दैन आप महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट एड टाइप ई में फॉलो होते हो ना वट दिस मीन्स इज द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट कम्प्लीटेड एस एस सी एंड एच एस सी एग्ज़ामिनेशन और इक्वेलेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकगनाइज इंस्टीट्यूशन फ्रॉम अ डिस्प्यूटेड महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एंड हुज मदर टंग नॉट मराठी मतलब अगर आपने आपके एस एस सी एंड एच एस सी और क्वालिफिकेशन महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर के किसी भी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से कंप्लीट नहीं की है और आपकी मदर टंग मराठी नहीं है देन आप आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेटेड टाइप में काउंट होते हो मतलब आपको सी टी एप्लीकेशन फॉर्म एज एन आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेटेड टाइप फिल करना होगा विच इज़ ऑल इंडिया कैंडिडेटर टाइप नेक्स्ट इज ऑल इंडिया कैंडिडेटर आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेटर टाइप यर इट सेज द कैंडिडेट्स हैविंग इंडियन नेशनैलिटी आर एलिजिबल अंडर दिस कैटेगरी कैंडिडेट्स शुड हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम दिसट वेयर द कैंडिडेट बिलोंग्स और कैंडिडेट शुड हैव अ बर्थ सर्टिफिकेट ई शूड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट मीनिंग आपके पास इंडियन नेशनैलिटी होनी चाहिए और आपके पास डोमोसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट जहां से आप बिलोंग करते हो वहां का आपके पास डोमोसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ई शुड स्टेट गवर्नमेंट देन यू फॉल अंडर दिस कैटेगरी विच इज आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेटर टाइप विच मीन आप सी टी एप्लीकेशन फॉर्म इन ओपन कैटेगरी फिल करने वाले हो एंड आपका कैंडिडेटर टाइप होने वाला है ऑल इंडिया कैंडिडेट नाउ वट दिस मीन इज कैंडिडेट्स हू हैव कम्प्लीटेड दे आर एस एस सी एंड एच एस सी और यू क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट एंड आ बॉर्न आउटसाइड महाराष्ट्र एंड हैविंग अ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट और दे एस अ डोमिसल सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेट कम अंडर ऑल इंडिया कैंडिडेट कैटेगरी मीनिंग आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो या फिर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेट देन ओनली यू ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप नेक्स्ट कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड दे आर एस एस सी एंड एच सी और इक्वल एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट बट बॉर्न इन महाराष्ट्र एंड हैविंग बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और दस एस ए डोमिसकेट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट मीनिंग ऑल द स्टूडेंट्स दोज हुव कम्पलीटेड दे आर एस सी एन एच एस सी और यूल क्वालिफिकेशन आउटसाइड महाराष्ट्र आपने आपको क्वालिफिकेशन किसी भी आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट से कम्पलीट किया है बट यू आर बॉर्न इन महाराष्ट्र और आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी महाराष्ट्र का है एंड डोमेसाइल सर्टिफिकेट भी इशू किया गया आपको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से देन अगेन यू कम अंडर ऑल इंडिया कैंडिडेटर टाइप दैट इज आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेटर टाइप नेक्स्ट कैंडिडेट्स हू हैव कम्प्लीटेड दे आर एस एस सी एंड एच एस सी और इक्वी वैलेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मीनिंग जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना एस एस सी एच एस सी और यू इक्वी क्वालिफाइ एग्जामिनेशन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से कंप्लीट किया है बट दे आर नॉट बॉर्न इन महाराष्ट्र मीनिंग उनके पास महाराष्ट्र का महाराष्ट्र से इशू किया गया बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है एंड डोमोसेल सर्टिफिकेट भी नहीं है दे कम अंडर ऑल इंडिया कैंडिडेट टाइप मीनिंग आप फॉलो होते हो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप में next is minority candidate here it says the maharashtra domicile candidate belonging to a particular linguistic or religious minority community from within the state of maharashtra and as notified by the government are eligible under this category those candidates who are claiming minority candidate सच कैंडिडेट शुड हैव कम्पलीटेड दे आर एस एस सी एंड एच सी और इफ यू वैल लर्न क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्राम द स्टेट ऑफ़ महाराष्ट्र एंड दे शुड हैव अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्राम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अदरवाइज दे केन नॉट क्लेम फॉर माइनॉरिटी कैंडिडेटर मीनिंग जिन भी स्टूडेंट्स के पास महाराष्ट्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट है बट वो किसी पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्यूनिटी से बिलोंग करते हैं within maharashtra state then you fall under the minority candidate category but jo bhi students ye claim kar rahe hai ki wo minority candidate type me aate hai unke paas un sare students ka ssc and hsc और equivalent qualifying examination state of maharashtra से complete होना चाहिए। और उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है देन आप माइनॉरिटी कैंडिडेटर के लिए क्लेम नहीं कर सकते नेक्स्ट आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस माइनॉरिटी कैंडिडेटर आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट दैट इज ओ एम एस ऑल इंडिया कैंडिडेटर कैंडिडेट्स शुड फिल दीट ई एप्लीकेशन फॉर्म इन ओपन कैटेगरी मीनिंग अगर आप किसी माइनॉरिटी कैंडिडेटर में आते हो बट आप आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट हो विच इज़ आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट देन आप माइनॉरिटी कैंडिडेटर के लिए एलिजिबल नहीं हो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स ओ एम एस शुड फिल द सी टी एप्लीकेशन इन ओपन कैटेगरी अगर आप किसी माइनॉरिटी कैंडिडेट में फॉल हो रहे हो बट आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो आपको ओपन कैटेगरी में सी टी का फॉर्म फिल करना है नेक्स्ट इज एन आर आई कैंडिडेटर इट सेन आर आई कैंडिडेट आर एग्जेप्ट फ्रॉम सी टी दे नीड नॉट टू अप्लाई फॉर सीई टी एग्जामिनेशन बट वट दे कैन डू इज आप लोग डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हो फॉर कैप राउंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सीई टी एग्जामिनेशन जब सी ईटी एग्जाम खत्म हो जाता है एंड देन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है देन यू ऑल कैन डायरेक्टली रजिस्टर फॉर द कैप राउंड एंड दिस वे यू ऑल फॉलो अंडर द एन आर आई कैंडिडेट सो एन आर आई स्टूडेंट्स के लिए सी टी लिखना मैंडेटरी नहीं है वॉट दे कैन डू इज सी टी का एग्जाम खत्म होने के बाद रिजल्ट आने के बाद दे केन डिरेक्टली रजिस्टर फॉर द कैपराउंड प्रोसेस एंड दे कैन फिल द फॉर्म अंदर द एन आर आई कैंडिडेट टाइप नेक्स्ट इज फॉरन स्टूडेंट्स और ओ सी आई और पी आई ओ कैंडिडेट अगेन द सेम फॉरन स्टूडेंट्स और ओ सी आई और पी आई ओ कैंडिडेट और कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्राम सी ई टी आप लोगों को सी टी एग्जाम लिखना मैंडेटरी नहीं है वॉट यू ऑल कैन डू इज आप डरेक्टली कैपराउंड के लिए रजिस्टर कर सकते हो सी ई टी एग्जाम ख़त्म होने के बाद एंड रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद एंड यू ऑल कैन फिल द फॉर्म अंडर फॉरन स्टूडेंट्स और ओ सी आई और पी आई ओ कैटेगरी कैंडिडेटर नेक्स्ट इज़ जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट कैंडिडेटर यर इट सेज़ दो स्टूडेंट्स जो जम्मू एंड कश्मीर से शिफ्ट हुए हैं टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया टू अ रिलेटिवली सेफर प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम अनसेफ बॉर्डर एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1990 ऑनवर्ड्स किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की वजह से या फिर वो स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ आई और इंडियन पुलिस सर्विसेज़ आई और इंडियन फॉरेन सर्विसेज़ आई में एम्प्लॉयड है एंड चिल्ड्रन ऑफ़ स्टाफ बिलोंगिंग टू मिलिट्री एंड पार्लियामेंट्री फोर्सिस या फिर आपके पेरेंट मिलिट्री और पार्लियामेंट्री फोर्सेज से है हुआ ट्रांसफर टू जम्मू एंड कश्मीर टू कॉम्पैट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एंड जॉइन द पोस्ट ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन मीनिंग उनकी ड्यूटी आपके सीटी एप्लीकेशन से पहले या फिर सीटी एप्लीकेशन के लास्ट डेट के बाद हुई है या फिर द चिल्ड्रन ऑफ स्टाफ एंड ऑफिसर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ऑफिसर्स या स्टाफ में एम्प्लॉयड है

Now you understand what are candidate type A, B, C, D, E and others. I hope कि आपके सारे doubts अब यहाँ तक clear हो गए हैं Apart from this, अगर आपको फिर भी कोई doubt है guys, तो आप हमारे cap round के number पर call करके हमारे साथ connect हो सकते हो या आप comment drop कर सकते हो We'll definitely try to get back to you. And guys, अगर आपको ये information brochure देखना है so तो आपके relevant कोर्ट्स में ये information brochure का notice दिया गया है आप right side पर जाके click कर सकते हो Apart from this एल ट्राई टू लिंक दिस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर इन द डिस्क्रिप्शन आप वहां से जाके भी कैंडिडेटर टाइप के बारे में पढ़ सकते हो सो येस गाइज दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड मेक श्योर की आप ये वीडियो आपके सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो एंड ऐसे सारे वीडियोस के लिए मेक शोर टू सब्सक्राइब मेन्यूअर लॉ एंट्रेंस चैनल और अगर आप ये वीडियो मे्यूअर एजुकेशन पे देख रहे हो सो मेवर लॉ एंट्रेंस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेक श्योर टू सब्सक्राइब दैट चैनल एंड यस गाइस आगे और सारी अपडेट्स और इंफॉमेशन से रिलेटेड भी वीडियोज़ आने वाले हैं सो मेक शोर टू सब्सक्राइब आर चैनल एंड येस गाइज अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल द कैपराउंड प्रोसेस कैपराउंड रिलेटेड वीडियोज़ विल भी अवेलेबल ओनली ऑन मेन्यूअर चैनल सो गाइज चैनल के साथ कनेक्टेड रहना सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले यहाँ मिलने वाले हैं विल भी कवरिंग ऑल द अपडेट्स हम यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू आपके साथ कनेक्ट होने वाले हैं देव सर विल भी टेकिंग यूट्यूब लाइव स्ट्रीम्स सो येस गाइज आपको एंटायर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपके अगर टॉप्स के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे डॉक्यूमेंट रिलेटेड डाउट्स ऑल्सो गाइज स्टेप बाई स्टेप कैपराउंड प्रोसेस या आप कह सकते हो एडमिशन प्रोसेस पर वीडियोज़ आपको एक्सक्लूसिवली मेन्यूर चैनल पर मिलेंगे सो मेक श्योर गाइज टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस चैनल लिंक विथ योर फ्रेंड्स सो उनको भी बहुत हेल्प होने वाला है इससे ऑल्सो गाइज़ कट ऑफ के बारे में कॉलेज के बारे में कट ऑफ बसेस कॉलेज सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलने वाली है फ्री करियर कॉलेज लो स्कोर कंसल्टिंग भी आपको मिलने वाली है आप ये इस नंबर पे कॉल कर सकते हो आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो विल बी हेल्पिंग यू विद द कैपराउंड प्रोसेस ऑल्सो यू ऑल विल बी गेटिंग फ्री कैपराउंड रिलेटेड गाइडेंस

सिक्स थ्री जीरो इस नंबर पे आपको कॉल करना है कैपराउंड रिलेटेड डाउट्स के लिए कैपराउंड प्रोसेस एडमिशन प्रोसेस रिलेटेड यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग भी होने वाली है गाइज सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल